छह महीने से मैंने इस ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स को इस्तेमाल किया है। आप इसे वेट गेन के लिए इस्तेमाल करें या वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें, प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमन इसे ले सकते हैं कि नहीं, डायबिटीज पेशेंट के लिए ये अच्छा है कि नहीं, क्योंकि छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसे लेने से पहले। इसकी फुल स्कूप मत लीजिए। दिन में इसे कितनी बार पीना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स की रिव्यू आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 6 लॉन्ग मंथ्स। मतलब 6 महीने से मैंने इस ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स को इस्तेमाल किया है। ये वाला मैं दिखा देती हूँ, ये वाला जो है इतना बड़ा डिब्बा मैंने इसे 6 महीने से इस्तेमाल किया है। एंड फिर मैं अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू है, कितने साइड इफेक्ट्स मैंने फेस किए हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स इसके इस्तेमाल करने से होते हैं, आप इसे वेट गेन के लिए इस्तेमाल करें या वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें, प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमन इसे ले सकते हैं कि नहीं, सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मन में कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कॉपी में मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जब मैंने 1 महीने तक इस्तेमाल किया था ना, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। उस वीडियो के नीचे इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे, तो कुछ क्वेरीज को मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है, तो मैं वही आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। आई होप उससे काफी ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दिन में इसे कितनी बार पीना है। फॉर माई केस, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मैंने इसे लेना स्टार्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन एंड इस कोविड सिचुएशन में हम लोग ना ज़्यादा प्रोटीन्स एंड मिनरल्स विटामिन्स नहीं ले पा रहे हैं नेचुरल सोर्सेस से, जिसकी वजह से इस तरीके का सप्लीमेंट्स काफ़ी हैंडी हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये जो कंटेनर है ये मुझे 6 महीने तक चला, और ऊपर से अगर हम लोग कुछ प्रोटीन खाते हैं नेचुरल सोर्सेस की, तो वो मुझे पकाना पड़ेगा, फिर उसे वॉश करना पड़ेगा, मार्केट जाने की एक और टेंशन है इस सिचुएशन में, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इसे मैं जस्ट नॉर्मली वाटर में मिक्स करके ले सकती हूँ कभी भी। तो मैं आपको मेरा जो टाइमिंग है वो मैं बता रही हूँ। मैं इसे जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ घर पे, फिजिकल एक्सरसाइज करती हूँ जैसे स्किपिंग या स्पॉट रनिंग या फिर योगा, कभी कभार मैं जुम्बा क्लासेस भी करती हूँ घर पे, 30 मिनट्स तक मेरा मिनिमम 30 मिनट्स तो रहता है ये, मैक्सिमम 1 आवर तक मैं वर्कआउट करती हूँ घर पे हर रोज, तो उसके बाद मैं इसे लेती हूँ। दिन में एक ही बार इसे लेना है, ऐसा नहीं कि आपने 2 बार ले लिया, जस्ट एक ही बार लेना है। अब इसे पानी के साथ मिक्स करके आप ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर्स के साथ मिक्स करके, और आप चाहते हैं तो आप इसे हल्का गर्म मिल्क के साथ, मतलब दूध के साथ भी इसे ले सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल पानी के साथ ही ले लेती हूँ, तो मैं 1 स्कूप फुल इसे लेती हूँ नॉर्मल पानी में। लेकिन अगर आप उतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको जस्ट 1/2 स्कूप लेना है इसकी, फुल स्कूप मत लीजिए। सो आई होप ये वाला क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको आप स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं। इनफैक्ट ये अगर वर्कआउट के बाद आप पोस्ट वर्कआउट मील की तरह भी इसे एक स्मूदी बनाकर ले सकते हैं, जिसमें आप एक मिक्सर का जो एक ग्राइंडर होता है ना, तो उस कंटेनर में आप 1 फुल बनाना को कट करके मिक्स कीजिए, इसका 1 फुल स्कूप ऐड कीजिए, उसके बाद आप कोई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज या चेरीज, एंड फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे आमंड्स, वॉलनट्स, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए एंड देन मिल्क ऐड कर दीजिए। तो इसका आप मिक्सी में इसको चर्न कर लीजिए एंड देन जो स्मूदी बनाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो स्मूदी, और काफ़ी फुलफिलिंग भी होता है। तो आप ब्रेकफास्ट में वो स्मूदी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट मील की तरह उसे ले सकते हैं, तो इससे ये काफ़ी फुलफिलिंग रहता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। अब आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस, वो डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर, आप किस तरीके का डाइट ले रहे हैं, आप किस तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये ओवरऑल आपके बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, आपके हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो प्रोटीन को अच्छे से बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोवाइड करने के लिए और रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोवाइड करने के लिए आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने और मेरी फैमिली ने इसे लेना स्टार्ट किया था एक्चुअली। तो इसे लेने से ना इंस्टेंटली आपको एक एनर्जी सा महसूस होगा। आई डोंट नो, ये मेरा
थिंकिंग है या नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं वर्कआउट करके इसे लेती हूँ उसके बाद मुझे इंस्टेंट एक एनर्जी मिलती है। सो आई रियली लाइक दिस। और इसके कोई भी एज सच साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट हाँ कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स है जो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने और मेरी फैमिली ने कई बार फेस किया है। वो कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसे लेने से पहले, वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आई होप वेट गेन और वेट लॉस के बारे में मैंने सब कुछ क्लियरली आप लोगों को समझाया है, क्योंकि आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में और भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कार्ब्स कट कर दीजिए, काफी लो कार्ब्स इंटेक कीजिए, जैसे राइस या चपाती बहुत ज्यादा लो और एकदम रिक्वायर्ड अमाउंट में ही लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से लीजिए। अगर आपको कोई डाइट चार्ट चाहते हैं ना, तो इस प्रोटीन्स एंड मतलब कुछ भी ओजीवा के प्रोडक्ट के साथ आपको एक स्टिकर मिलता है जहां पर एक नंबर दिया जाता है, आप उस नंबर से कॉन्टेक्ट करके अपने हिसाब से एक डाइट चार्ट भी ले सकते हैं। काफी ज्यादा वो ईजी हो जाता है और हेल्पफुल प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन इसे ले सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली नो, प्रेग्नेंट वुमन इसे नहीं ले सकते, बट अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उस प्रेगनेंसी में ना आपके डॉक्टर क्या आपको मेडिकेशन दे रहे हैं या नहीं, वो आपके डॉक्टर को पता है। कोई दूसरे डॉक्टर को आप मत पूछिए, अपने खुद के डॉक्टर से ही आप सलाह लीजिए कि आप इसे ले सकते हैं कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ यू कैन टेक दिस, तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। एज सच इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट आपको मेरी बात नहीं सुनना है, किसी और डॉक्टर की बात भी नहीं सुनना है, आपको अपने डॉक्टर की बात सुनना है और उनसे ही पूछना है कि आप इसे ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका डॉक्टर, आपके डॉक्टर को पता है आपका जो फिजिकल स्टेट है, जो कंडीशन है वो। और तो प्रेगनेंसी में आप डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस। और लैक्टेटिंग वुमन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसे ले सकते हैं कि नहीं, नो यू डोंट नीड टू कंज्यूम दिस, क्योंकि उस दौरान भी आपके कुछ मेडिकेशंस चलते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जो जाएगा वही आपके बेबी के बॉडी में भी जाता है, जिसकी वजह से आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अगर वो कहते हैं कि आप इसे ले सकते हैं तो लीजिए, वरना वो जो लैक्टेटिंग पीरियड है उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसे लेना, क्योंकि इसके लेने के एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो अब बात करते हैं कि इस अगर आप ये प्रोटीन एंड हर्ब्स ले रहे हैं, इसके साथ आप कोई दूसरा सप्लीमेंट ओजीवा का ले सकते हैं कि नहीं। सो किसी भी सप्लीमेंट के बीच मिनिमम 6 आवर्स का गैप होना जरूरी है। अगर आप प्रोटीन एंड हर्ब ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो 6 आवर्स के बाद, मतलब जैसे लंच के बाद या फिर इवनिंग के वक्त, आप कोई दूसरा सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो कोई भी सप्लीमेंट के बीच 6 आवर्स का मिनिमम गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक दिन अपने प्रोटीन एंड हर्ब्स लिया और दूसरे दिन नेक्स्ट डे आपने कोई और सप्लीमेंट लिया, ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज पर आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आजकल विटामिन सी ले रही हूँ ओजीवा का, तो मैं सुबह इस प्रोटीन एंड हर्ब्स को ले लेती हूँ एंड मैं लंच के बाद या फिर जब इवनिंग के टाइम ना पेट खाली खाली सा रहता है उस टाइम मैं विटामिन सी ले लेती हूँ, या फिर कई बार मैं मॉर्निंग में ही खाली पेट विटामिन सी ले लेती हूँ और प्रोटीन एंड हर्ब्स मैं इवनिंग के वक्त एक स्मूदी बनाकर पी लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको ना मिक्स मैच करके लेना है, लेकिन 6 आवर्स का मिनिमम गैप होना जरूरी है, वरना आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ऑल्सो एक और क्वेश्चन भी था कि डायबिटीज पेशेंट के लिए ये अच्छा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर, ये चॉकलेट फ्लेवर है तो यहाँ पर लिखा भी है कि दिस इज चॉकलेट फ्लेवर। तो शायद आपको ऐसा फील हो कि चॉकलेट फ्लेवर मतलब स्वीट स्वीट सा होगा, डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा है कि नहीं, तो नो, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए डेफिनेटली अच्छा है। डायबिटीज पेशेंट ले सकते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर 0 एडेड शुगर है, यहाँ पर लिखा भी है कि कोई ग्लूटेन नहीं है, 0 एडेड शुगर है इसके अंदर। सो डेफिनेटली डायबिटीज पेशेंट इसे ले सकते हैं, और ये चॉकलेट फ्लेवर है तो काफी टेस्टी सा मुझे लगता है। और अगर आपके हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब आपके थायराइड प्रॉब्लम है और एल्ट्रॉक्सिन सुबह आपको थायराइड मेडिसिन लेना पड़ता है, तो भी आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो
एक और क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ था कि पोस्ट प्रेगनेंसी जब वेट गेन हो जाता है उस टाइम आप वेट लॉस के लिए इसे ले सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों से शेयर किया है कि ये प्रोडक्ट वेट गेन या वेट लॉस को उतना हद तक कंट्रोल नहीं करती, आपके डाइट आपका वर्कआउट कंट्रोल करती है। जब हम लोग डाइट करते हैं ना, अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको एक डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस डाइट में आप अपनी बॉडी को वो सारे प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नली अपने बॉडी में इसके अंदर जो प्रोटीन्स एंड हर्ब्स है वो देना पड़ेगा। तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं, इससे आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स एंड हर्ब्स आपके डाइट के थ्रू नहीं आप दे पा रहे हैं वो आपको ये सप्लीमेंट से मिल जाएगी। जस्ट ये सप्लीमेंट लेना है, उससे ही जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स एंड हर्ब्स है वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके लेने की क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं या मैंने क्या क्या फेस किया है जनरली और मेरी फैमिली ने भी। अब देखिए, ये प्रोटीन है और हर्ब्स है, तो प्रोटीन काफी ज्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से आपको एम्प्टी स्टमक इसे लेना थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या आपको सिर में दर्द होने लगता है, अगर कुछ भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो जिसकी वजह से आप एम्प्टी स्टमक लेना अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं है तो आप इसे एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, लेकिन मिल्क के साथ लीजिए, फिर वर्म मिल्क के साथ फिर इसे लीजिए, पानी के साथ मत लीजिए, क्योंकि वर्म मिल्क के साथ लेने पर ना पेट थोड़ा सा भारी लगेगा क्योंकि आप एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं। ऑल्सो मैंने एक बार एक गलती कर दी थी कि 6 आवर्स के बीच ही मैंने दूसरा सप्लीमेंट ले लिया था, उजीवा का बायोटिन। उस टाइम मैं बायोटिन ले रही थी, तो प्रोटीन एंड हर्ब्स मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था और बायोटिन मैंने लंच में ले लिया था। लंच के कुछ देर बाद मैंने बायोटिन ले लिया था, जिसकी वजह से 6 आवर्स का वो जो गैप था ना वो नहीं हो पाया था। आई थिंक वो 3 to 4 आवर्स का गैप था, जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी बेसिकली। तो मुझे एक्चुअली एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कुछ भी उल्टा फुल्टा होता है तो। सो आपको अवॉइड करना है वो, दोनों सप्लीमेंट्स के बीच 6 आवर्स का गैप होना चाहिए। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप एम्प्टी स्टमक कोई सप्लीमेंट नहीं ले, अनलेस एंड अनटिल वो विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, वो वाटर सोल्यूबल होता है जिसकी वजह से वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और हाँ, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि इसका प्राइस कितना है, सो इसका प्राइस मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है, ये जो मेरे पास है ये एक्चुअली 1 kg का है, ये है 3199 rupees। यहाँ पर लिखा है, लेकिन पहले भी मैंने इसे इसका छोटा वाला जो 500 ग्राम्स का है वो भी मैंने पहले से लिया था, उसका पूरा खत्म हो चुका है, उसका प्राइस है 1499, मतलब लगभग 1500 रुपए है उसका प्राइस फॉर 500 ग्राम्स, जिसमें 16 servings आपको मिलेंगे, 16 servings आपको मिलेंगे। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक से परचेज कर सकते हैं क्योंकि वहां से मैंने भी परचेज किया है। और वीडियो पसंद आए, इसी तरीके का वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए आपके मन में और क्या क्वेश्चन है, क्योंकि एक वीडियो में सारी क्वेरीज के आंसर्स मैं नहीं दे पाती हूँ। मैं नेक्स्ट इसके पार्ट्स बनाऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ और भी आपके जो भी क्वेरीज है उसके आंसर्स डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो या, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।